नमस्कार साथियों, आप सभी जानते हैं कि कल रात को नया नगर में मारपीट हुई। हमारे कुछ युवा, कुछ महिलाएं और कुछ पारिवारिक लोग नया नगर से गुजर रहे थे प्रभु श्री राम का झंडा लगा के। उस समय गाड़ियों पे तोड़फोड़ हुई, उनके साथ मारपीट हुई, यहाँ तक के महिलाओं को भी मारपीट हुई और हमला भी हुआ जानलेवा। इसकी हम निंदा करते हैं। कल रात को 3 बजे तक, मतलब 1:30 से 3 बजे तक मैं पुलिस स्टेशन में भी था और उन पीड़ितों के साथ भी था हॉस्पिटल के अंदर। पुलिस ने FIR ली और उस पर कड़क कार्रवाई करने का आश्वासन किया। उसके बावजूद भी आज हम फिर पीड़ितों से मिले और मीरा भाईंदर के कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की कि उसके ऊपर क्या कार्रवाई और क्या कार्रवाई करने वाले आगे। उन्होंने कहा है कि हम सख्त कार्रवाई करेंगे, कुछ लोगों को हमने हिरासत में लिया है, कुछ को हम CCTV फुटेज के माध्यम से ढूंढने वाले, एक एक करके सबको अरेस्ट करेंगे, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस विषय के ऊपर हमारे नेताओं ने, आदरणीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से ही बात हुई। मुझे विश्वास है उनके ऊपर भी और सरकार पे भी कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैं एक अफवाह के ऊपर ना जाए, एक विष्णु सोनी व्यक्ति नाम का व्यक्ति, इसने व्हाट्सएप के ऊपर एक ऐसा कंटेंट वायरल कर रहा है कि आज रात को 10 बजे से 11 बजे के बीच में नया नगर में लोडा रोड हो, हैदरी चौक हो या अन्य कोई एरिया हो, वहां पे दंगे भड़कने वाले हैं। कुछ लोगों ने 1200 लड़के बुलाए हैं, 1800 लीटर पेट्रोल मंगाया है, बहुत कुछ होने वाला है। इस तरह का विष्णु सोनी नाम का व्यक्ति अफवाह फैला रहा है मेरे नाम से, कह रहा है कि नरेंद्र मेहता और पुलिस की मिली भगत है, पुलिस भी पीछे हटने वाली है और इस तरह के दंगे को साथ देने वाली है। हम इसकी निंदा करते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन से कहूंगा कि इस व्यक्ति को तुरंत पकड़ा जाए। ये व्यक्ति किसके कहने पे कह रहा है, मेरी तो राजनीतिक सूझबूझ मुझे पता है। अगर इसका खुलेंगे तो एक नेता को बार बार ये लाइक करता है, उसी नेता के कहने पे कर रहा है। ऐसे समय पे जहां शहर जल रहा हो वहां पे शांति का माहौल करना चाहिए, ऐसे लोग दंगा भड़काने का काम करें किसी नेता के कहने पे, उसे ढूंढना चाहिए उस नेता को भी और इसको भी कड़ी से कड़ी शिक्षा मिले। देशद्रोह का गुनाह इन पे दाखिल होना चाहिए, क्योंकि देश को भड़काने का, आग लगाने का काम ऐसे लोग कर रहे हैं, इनके ऊपर पुलिस कार्रवाई करे। इनसे मैं कहूंगा अगर पूछना है तो उन नेताओं से पूछे जो चुन के आए कि वो क्या कर रहे। मैं तो अपना काम कर ही रहा हूं, शांति का संदेश भी दे रहा हूं और जिनके ऊपर अन्याय हुआ उनके लिए लड़ भी रहा हूं, और अगर उनको न्याय नहीं मिलेगा तो मैं अपने तरीके से लड़ाई भी लड़ूंगा, लेकिन मुझे विश्वास है कानून पे, क्योंकि कानून हम हाथ में लेना चाहते। मैं पुलिस प्रशासन से कहूंगा ये विष्णु सोनी किस नेता के कहने पे इस तरह का राजनीतिक अपनी रोटियां सेक रहे, इनको तुरंत पकड़ा जाए, हिरासत में लिया जाए, देशद्रोह का इनके ऊपर गुनाह दाखिल किया जाए। और मैं अच्छी तरह जानता भी हूं किस नेता के कहने पे कर रहा है, लेकिन कहते हैं ना कि समय आने पे ही बोलना चाहिए, तो मैं समय आने पे जनता के सामने बोलूंगा। मैं खाली इतना कहना चाहता हूं कि कितने घटिया और गिरे हुए लोग हैं, इसके अंदर भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे, किसी के बोलने पे अफवाह कर रहे, उनको शहर को, इस शहरवासियों से कोई लेना देना नहीं ऐसा लग रहा है। लेकिन मैं जनता को कहूंगा ऐसी अफवाहों पे विश्वास ना करें। मैं कल भी शहर का था, आज भी हूं, कल भी रहूंगा। शहर के अंदर शांति और अमन चाहिए। मैं जब तक विधायक था इस शहर में आज तक कोई ऐसी घटना घटने नहीं थी। और फिर कहता हूं दोषियों पे कार्रवाई होनी चाहिए, पीड़ितों को न्याय मिलना ही चाहिए, और नहीं मिलेगा तो हम रास्ते पे आएंगे, मुझे विश्वास है कानून पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।